बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया चलाते चलाते आपने दो लड़कियों को देखा होगा। इन्हीं दो लड़कियों का पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो मेट्रो में था, और अब जो वीडियो वायरल हुआ है दरअसल वो होली का बताया जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा स्कूटी एक आगे लड़का चला रहा है और पीछे दो लड़कियां बैठी हुई हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को रंग लगाती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नोएडा पुलिस ने उन लड़कियों का चालान काटा है, भारी भरकम चालान, लगभग 33,000 रुपये बताए जा रहे हैं चालान काटा गया है। और नोएडा पुलिस जो है वो लड़कियों पर एक्शन की बात भी कर रही है, उन लड़कियों पर एक्शन भी होगा, इस तरह की बातें कही जा रही है। और हालांकि दोनों लड़कियां अब माफ़ी भी मांग रही हैं और ये कह रही हैं कि आप इतनी भारी भरकम रकम जो है वो हम फिलहाल नहीं दे सकते, जो फाइन है वो हटाया जाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो को लेकर तमाम तरह के ओपिनियन जो हैं वो बन रहे हैं। कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं और आपने देखा होगा कि लोग आज के टाइम पर जब रील बनाते हैं, जब वीडियो बनाते हैं, तो शायद अब वो दायरा वो मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं, और इस वीडियो में क्या है लोगों की ओपिनियन और उस उसे कैसे देख रहे हैं, क्या इस तरह का वीडियो जो है वो पब्लिकली बनना चाहिए। होली जो है वो रंगों का त्यौहार है और रंगों पर इस तरह का वीडियो, और लड़की जिस अंदाज में नजर आ रही है उसके थोड़े पहले का जो वीडियो है उसमें आपने देखा होगा कि लड़की अचानक से गिरती है और फिर उठती है, लेकिन लड़की गिरी या कुछ हादसा हो सकता था जिस तरह से वो वीडियो बना रहे हैं, और इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। कुछ लड़कियां यहां पर हमारे साथ हैं और इनसे ज़रा समझते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे रील तो हर कोई बनाता है, मुझे लगता है आप भी बनाते होंगे, लेकिन रील का एक तरीका होना चाहिए और किस हद तक आपको रील बनाते हुए जाना है, क्योंकि मेट्रो में भी हमने देखा है कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं और जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए हैं, और कई बार हमने मेट्रो प्रशासन से ये भी सुना है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, मेट्रो में ऐसे वीडियोस नहीं बनने चाहिए। आपने वो दो लड़कियों का वीडियो देखा, क्या ओपिनियन है, क्या इस तरह के वीडियोस पब्लिकली बनने चाहिए? सबसे पहली बात तो मैम ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे वीडियोस बनाने में कोई गलत नहीं है, बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पब्लिकली नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे दूसरों पर मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और खास करके मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में लोग व्यूज क्या नेगेटिव इम्पैक्ट, वो तरीका थोड़ा सा फोहर लग रहा है, थोड़ा रोड साइड लग रहा है, ऑकवर्ड लग रहा है, और मुझे नहीं लगता कि नोएडा जैसा शहर अभी इतना ज़्यादा लोगों की मेंटालिटी डेवलप है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके कि दो लड़की इस तरीके से गुलाल लगाते हुए बीच सड़क पर स्कूटी से जा रही हो। तो मेरे हिसाब से तो पब्लिकली ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए और ये गलत है। पब्लिकली आपको लग रहा है ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, या आपको क्या ओपिनियन है उस वीडियो? देखिए, होली खेलना था उनको, होली का त्यौहार था, तो होली घर पे भी खेली जा सकती थी, क्या जरूरत थी स्कूटी पे बैठ के रंग लगाने की, घर पे भी खेल सकते थे। ट्रेंड भी तो शुरू हो गया है कि होली हो, दिवाली हो, या कोई भी फेस्टिवल हो, रील लोग जरूर बनाते हैं, तो फिर तरीके भी थोड़ा अतरंगे ढूंढते हैं कि रील बनाने का भी तो तरीका होता है ना, एक दायरा होता है हर चीज़ का, तो वो दायरा मेंटेन रखना चाहिए था उन लोगों को, और दायरे में रहकर ही करना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको होली की वीडियो बनानी है तो और लोग भी तो हैं, और इन्फ्लुएंसर भी हैं, वो लोग भी तो वीडियो बनाते हैं, पर ये क्या तरीका है कि स्कूटी पे बैठ के और एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। और एक और वीडियो थी, एक लड़की स्कूटी पे बैठ के रंग लगा रही थी जो गिर भी गई थी, तो ये फिर क्या तरीका है, मतलब ये तरीका सही नहीं। बेसिकली उनके जो फॉलोअर्स हैं उन पर भी गलत इम्पैक्ट जाएगा, वो भी ये सोचेंगे कि इनके व्यूज़ आ रहे तो हम भी ये करेंगे, हमारे भी व्यूज़ आएंगे, क्योंकि लोग ये सब हरकत ज़्यादातर व्यूज़ पाने के लिए करते हैं। और बिलो द बेल्ट भी कुछ हो रहा है रील बनाने के चक्कर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए हो रहा है? हाँ, मुझे तो लगता है व्यूज़ के लिए ही हो रहा है, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि मेट्रो में बनाया, कि मेट्रो में जब आप बना रहे हो कि आसपास के लोगों के मेंटेलिटी क्या है, क्योंकि वहाँ से कोई भी लोग आपके लिए कोई गलत वो कर सकते हैं, कोई कमेंट कर सकते हैं, साथ में आप जब कहीं अकेले भी जाओगे वहाँ पर भी वो लोग मिल सकते हैं आपको कि आपने तो रील्स बना के फेमस होने के लिए आपने ऐसा कुछ किया, तो वो अगर कोई एक्शन ले लेगा तो वो भी एक गलत चीज़ है। दूसरी बात है जो स्कूटी में हो रहा है, बाइक पर हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा खतरा है कि आप जब स्टंट करते हो इस का, तो एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, तो उसमें आप जो एंजॉय करने के लिए, जो व्यूज़ पाने के लिए आप जो स्टंट दिखा रहे हो, उसमें हो सकता है आपकी लाइफ का रिस्क बन जाए, तो वो भी हमें देखना चाहिए कि हम कुछ भी करें लेकिन उसका, जैसे अंजलि ने कहा कि एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक बाउंडेशन होना चाहिए, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे हमारी कंट्री कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन कुछ कुछ लोगों की मेंटेलिटी अभी भी उधर की उधर ही है, तो उन लोगों के हिसाब से भी हमें वैसा ही रखना चाहिए कि सब लोगों के लिए हमारा जो वीडियो बन रहा है, जो रील्स बन रहा है, वो सब लोगों के लिए सही हो और सब लोगों के मेंटल के हालत भी सही रखे। ठीक है, सब लोगों के लिए वीडियो ठीक हो और एक दायरा जरूर मेंटेन होना चाहिए, ये नहीं है कि आप वीडियो बना रहे हैं किसी फेस्टिवल को लेकर और अपनी लाइफ को आप रिस्क में डालकर वीडियो बना रहे हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं, पशुपति सर की जिम्मेदारी थी कि वो शुरुआत हमेशा से करते आए, लेकिन आज
मैं शुरुआत कर रही हूँ इस चर्चा की और मैं आपसे समझना चाहूँगी, वीडियो आपने भी देखा होगा दोनों लड़कियों का। यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई पब्लिकली ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, और कुछ ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी अपनी जान जोखिम में डर नहीं डाल सकते, वीडियो बना रहे हैं ठीक है, उस टाइम आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, तो एक दायरा मेंटेन होना चाहिए। देखिए अनन्या, बेसिकली क्या है कि हम पुलिसिंग की बात कर रहे हैं या मॉरल पुलिसिंग की बात कर रहे हैं, ये जो कई बार घालमेल हो जाता है, और इस तरह के केसेस में कई बार ऐसा होता है कि जो मॉरल पुलिसिंग के जो ठेकेदार हैं या जो लोग हैं उनको लगता है कि नहीं नहीं ये फाइन बढ़ जाना चाहिए, ये फाइन इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये फाइन इससे ज़्यादा होना चाहिए। आप ये समझिए कि कोई भी सोसाइटी में यूथ जो है कई बार गलतियां करता है, आप उसको सजा दीजिए, आप उसको वार्निंग दीजिए, आप उसको चेतावनी दीजिए, आप उसको मोल्ड कीजिए, लेकिन किसी भी एक्ट की सजा में और उसके उसके लिए जो उसका गुनाह है उसमें एक अनुपात होना चाहिए, और वो अनुपात क्या करता है, जुडिशरी तय करती है। ये मामला अब जुडिशरी में जाता है, वो लोग कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट जब तय करती है तब हम मुझे लगेगा कि ये एक जस्टिफिकेशन है इसमें। आप समझिए कि पहले 37,000 के आसपास का चलान किया गया, फिर उसके बाद और उसमें 43,000 के आसपास का और अमाउंट जोड़ा गया, टोटल जो फाइन है वो अभी तो शायद 33,000 का है ना लगभग। मैं आपको दिखाता हूँ एक जो सोशल मीडिया अपडेट हुआ है। हाँ, वो जो एक चीज है, ये करीब 80,000 के आसपास का फाइन चला गया है, ये फैक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो मैं जब कह रहा हूँ कि और उसके बाद वो बच्चियाँ हैं जो स्कूटर सवार हैं, वो कौन है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये फाइन जो है वो बच्चे नहीं करेंगे उनके। मुझे लगता है कि ये जो तरीका है आप फाइन का, ठीक है आप फाइन की जो बात कर रहे हैं, 80,500 रुपए फाइन बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है। अगर आपको किसी चीज को कम करने के लिए कुछ, अगर आपको नरेटिव भी सेट करना है ना कि भाई नजीर पेश करनी है कि इस तरह से लोग जो है वो स्टंट ना करें, तो इतना भी फाइन नहीं लगाया जा सकता या जो भी कानून के तहत किया जा रहा हो। लेकिन ये तरीका दरअसल ये जो तस्वीरें जो वायरल हो रही है ना, ये आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में से वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप पुलिसिंग पे बात कर रहे हैं या मॉरल पुलिसिंग पे बात कर रहे हैं। अगर आप पुलिसिंग पे बात कर रहे हैं तो फाइन एक जस्टिफाइड होगा। इंडियन जुडिशरी में जो फाइन लगाए गए हैं बड़े से बड़े गुनाहों में, आप जाके देखिए कि उसका अमाउंट क्या है, उसकी उसको लेकर कोर्ट में क्या चल रहा है। अब आप ये 80,000 रुपया जो व्यक्ति जिस परिवार का कोई मनरेगा का मजदूर है उसके परिवार के लिए अगर ये फाइन है तो ये बहुत ज़्यादा है, और कोई करोड़पति और कोई अरबपति है उसके लिए फाइन कुछ भी नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि आप फाइन कीजिए, जुर्माना दीजिए, नज़ीर पेश कीजिए, लेकिन अगर ये फैमिली, ये बच्चे रो रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं, तो उसका एंगल भी समझना चाहिए। आरती, आपको क्या लगता है, और जो पशुपति सर कह रहे हैं कि भाई आप पुलिसिंग कर रहे हैं या फिर मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं, और ये जो तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, जो जिस तरह की वो बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह का जेस्चर नज़र आ रहा है, वो अगर आप एक नज़र में देखेंगे तो आप वहाँ पर रुक जाएंगे, आप कहेंगे ये रोड पर क्या हो रहा है, मतलब ये एक माइंडसेट में आता है। मुझे बिल्कुल लगता है कि मॉरल पुलिसिंग की भी ज़रूरत है। इस तरह हम कहीं पर भी पब्लिक प्लेसेस में इस तरह की चीज़ें पेश नहीं कर सकते। हम बिलो द बेल्ट जाके कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं, होता है सबको, यूथ को आजकल है कि हमें रील्स बना के, शॉर्ट्स बना के फेमस होना है, बहुत जल्दी वायरल होना है, या फिर कमाई का जरिया उसको बनाना है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। लेकिन इस चीज़ को लोग यूज्ड टू होके बिलो द बेल्ट, आप चूंकि सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं, आप जाकर देखिए बिलो द बेल्ट वीडियो क्या होता है। बिलो द बेल्ट बहुत सारे वीडियोस हैं, बट इस चीज में भी इसको भी रोकना बहुत जरूरी है। पहले इन्होंने मेट्रो में, सर देखिए, पहले इन्होंने मेट्रो में वीडियो बनाया और उसके बाद स्टंट किया इन्होंने, इनकी जान को भी खतरा हो सकता था। एक लड़का स्कूटी चला रहा है और पीछे बैठ के लोग रोमांस कर रहे हैं, बहुत। लेकिन जो फाइन की बात है, अगर फाइन की हम बात करें, वो मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो गया है। ये भी देखना चाहिए उनका बैकग्राउंड कैसा है, लेकिन इसके साथ साथ मैसेज भी पेश किया जाना चाहिए कि इस तरह के स्टंट और इस तरह की जो वीडियोस बना रहे हैं ये ना कि ना। अगर ज्यादा है तो एक और मेरा सवाल है, कई सारे लड़कों को आपने नोएडा में ही देखा होगा जहाँ पर वो गाड़ी पे केक काटते हुए नजर आते हैं, कोई दिवाली पर हमने देखा है पटाखे चलाते हुए दिखते हैं, उन पर भी फाइन लगता है। आप ये देखिए अनन्या, बाइकर्स गैंग रात को निकलता है, बाइकर्स गैंग जिस तरह से स्टंट करता है रोडों पर, सड़कों पर, उस समय जो रिस्क है वो इससे कई गुना ज़्यादा है।
आप जब एक्शन लेते हैं तो आज तक वो पूरी प्रक्रिया क्यों नहीं बंद हुई? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप यही स्ट्रिक्टनेस आपने फॉलो किया होता तो ये सारी चीजें अब तक बंद हो जानी चाहिए थी ना। तो वहां कई जगह क्या होता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सम केसेस में हम जब उसको बड़ा करते हैं, लार्जर देन लाइफ करते हैं, कुछ वायरल वीडियोस, आप ये समझिए कि ये एक केस है, वायरल वीडियोस है इसलिए पुलिस इतनी एक्टिव है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कई सारे ऐसे केसेस हैं अननोटिस रह जाते हैं, उसमें 1500 का चलान आप चौराहे पर देते हैं और निकल जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम जब वर्क करता है, मैं ये कह रहा हूँ एक सिस्टम जब वर्क करता है वो सिस्टम की तरह दिखना चाहिए। मेरा सवाल बस इतना है, ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति एक वीडियो वायरल हो गया, मीडिया में आ गया, लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं तो उसमें फाइन ऐसा लगा दो कि वो नजीर बन जाए और बाकी जो केसेस हैं उसमें आप नॉमिनल फाइन लगाओ, तो ये नहीं होना चाहिए। मैं मेरा मानना, हो सकता है जो पुलिस अधिकारी वहां जांच कर रहे हैं, जो अधिकारी डिसीजंस ले रहे हैं, उनका अपना कोई नजरिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें इस तरह के केसेस में कोर्ट इंटरवीन करे, एक बात करे और इस फाइन पर एक थर्ड ओपिनियन आए। फाइन पर थर्ड ओपिनियन आना, फाइन पर फाइन ज्यादा है, नो डाउट फाइन ज्यादा है, बट हो सकता है सर यही वाला जो केस हो वो नजीर पेश कर जाए, उसके बाद आगे जो स्टंट करने वाले लोग हों, एक मतलब ये मैसेज तो जाएगा ना, एटलीस्ट जो बच्चे कर रहे होंगे स्टंट उनके पेरेंट्स कम से कम कहेंगे भाई अगर तुम ऐसे करोगे तो ये हो सकता है तुम्हारे। सजा बच्चों को देना चाह रहे हैं, उनके पेरेंट्स को देना चाह रहे हैं? सजा बच्चों या पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स तो एक बार बोलेंगे ना, जो आपको फर्स्ट आपका सपोज करिए आप रोड पर स्टंट कर रहे हैं, आपको पहले कौन देखेगा? आपके फ्रेंड्स देखेंगे, आपके पेरेंट्स देखेंगे, जो भी वहां पर होगा। तो अगर ये मामला अगर इतना बड़ा होगा और फाइन इतना ज्यादा होगा तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगा कि भाई ऐसा हुआ था किसी के साथ, किसी ने ऐसा किया था, तो कम से कम हम बच के रहें। एक हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये बोला जा रहा है कि इनका बैकग्राउंड, इमोशनल एंगल, सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। मेरे ख्याल से पुलिस अभी उनको हिरासत करने भी जा रही है, ये अपडेट ऐसी आई थी, लेकिन कम से कम एक केस से जो स्टार्ट हो ऐसा मैसेज जाए ताकि आगे जो बाइकर गैंग है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पता नहीं किस तरह के स्टंट कर रहे हैं, सिर्फ वायरल होने के चक्कर में सब फेमस होना चाह रहे हैं, और आप फेमस होइए, कोशिश कीजिए। बट बच्चे क्या इन्हीं लड़कियों के फॉलोवर्स इस तरह के स्टंट करें कि भाई वो वायरल हो गए, हम भी वायरल हो जाए और उनके साथ कोई हादसा हो जाए, क्योंकि ये जिस तरह से स्कूटी चला रही है, अगर आपका थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ेगा तो कुछ भी हो सकता है। फाइन को लेकर आपको लगता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है पुलिस? मैम जैसा सर ने बोला, सर का भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है, लेकिन बात वही है कि अगर इसमें अभी अगर कटौती कर दी जाए या अभी पुलिस जो है वो नर्म मिजाज हो जाएगी तो फिर ऐसे तो इनका मनोबल और बढ़ेगा ही, तो फिर ऐसी वीडियोस तो हमको और भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि वीडियो बनाने में कोई गलती नहीं है, वीडियो बनाना चाहिए, लेकिन बात वही है कि पब्लिकली नहीं बनाना चाहिए। और जिस तरीके से ये अपने इनके फॉलोअर्स में हम बहुत होते हैं, तो इनके फॉलोअर्स इनसे इंस्पायर होकर ऐसी वीडियोस और बनाएंगे तो उनके साथ भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे तो वीडियोस भी आप बना रहे हैं तो एक डेकोरम कम से कम मेंटेन, हाँ, क्योंकि ये व्यूज़ पाने के लिए आजकल लोग कुछ भी कर जाते हैं, किसी कैसे भी तरीके की वीडियोस बनाते हैं, तो ये वही एग्जांपल है व्यूज़ पाने के लिए, स्कूटी पर गुलाल लगा रहे, कभी मेट्रो के अंदर, और मेट्रो के अंदर तो कई सारी वीडियोज ऐसे वायरल होती हैं कुछ भी हरकत करते हुए, तो वो पब्लिक प्लेस पर ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, तभी ऐसी वीडियोज़ पर जो वो कहते हैं ना बिलो द बेल्ट जाकर बनाना बंद होंगी, बाकी सब चीज़ें ठीक है, वायरल ठीक है। नहीं, लास्ट ओपिनियन क्या है, लास्ट और फर्स्ट ओपिनियन बस एक ही है कि आप कि, opinion, सिर्फ फाइन पर कि आप कोई भी व्यक्ति को सजा दीजिए, कोई भी नज़ीर पेश कीजिए, लेकिन उसमें बस इतना ध्यान रखिए कि वो सजा उसके लिए उस गुनाह के अनुपात में रहे। हाँ हाँ, और वो सजा चूँकि यूथ है, मैं बैकग्राउंड नहीं जानता हूँ बहुत ज़्यादा, उनके घर की कमाई क्या है, उनके फादर की कमाई क्या है, उन बच्चों का क्या है, जैसी कि आप ही बता रही थी कि वो रो रही हैं, अब माफ़ी मांग रही हैं, उनको एक गिल्ट आपने पैदा कर दिया और वो वर्जन उनका आ गया कि हाँ हमसे गलती हुई हमसे, तो माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, तो माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन सज़ा जो है वो कम से कम कंपैरिजन में अनुपात में होनी चाहिए, किसको कितनी सज़ा मिलना चाहिए। और इतना फाइन जो लगभग 80,500 रुपये अब हो गया है नोएडा पुलिस की तरफ से लगाया गया, क्या ये ठीक है? एक तरफ सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है।